Xiaomi Pad 6 बेस्ट टैब अंडर 30,000 या फिर 25,000 भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका प्राइस 27,000 है और ICICI के क्रेडिट कार्ड लगाने पे 3,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा और 24,000 पड़ेगा। सीरियसली भाई, मतलब प्रोडक्ट तो ऑलरेडी अच्छा लग रहा था और प्राइस सुनने के बाद तो और भी ज्यादा अच्छा लगने लगा। तो चलो अब डिटेल में बात करते हैं कि अच्छा तो है सब कुछ, लेकिन कमी क्या है। सबसे पहले लुक्स की बात करें तो पीछे सिंगल कैमरा ही है, लेकिन मॉड्यूल काफी अच्छा सा दिया हुआ है जिसके कारण काफी अच्छा लुक आ रहा है। 11 इंच का डिस्प्ले है और बेजल्स एकदम परफेक्ट साइज का है, ना ज्यादा बड़ा और ना ही ज्यादा पतला, क्योंकि टैब में बेजल्स होने भी चाहिए इसलिए थोड़े से बेजल्स दिए हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा परफेक्ट लग रहा है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो पूरा मेटल यूनिबॉडी डिजाइन है, मतलब बैक पैनल तो मेटल का है ही, फ्रेम भी मेटल का है। तो चलो अब डिस्प्ले देखते हैं। तो साइज तो मैंने ऑलरेडी बता दिया 11 इंच, रेजोल्यूशन है इसका 2.8K, बस यूं समझो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है, LCD डिस्प्ले है, क्योंकि 11 इंच का एमोलेड देता तो प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाता, लेकिन LCD वन ऑफ द बेस्ट LCD डिस्प्ले है। इसका पीक ब्राइटनेस 550 nits ही है, लेकिन हाँ टैब के हिसाब से कम बिल्कुल भी नहीं लगता है। कैमरे की बात करो तो इसमें रियर में 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो कि डॉक्यूमेंट वगैरह का फोटो लेने के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप इसे एक 25-30 हज़ार के फोन से कंपेयर करोगे तो नो डाउट फोन का ज्यादा बेटर होगा, लेकिन हाँ टैब के हिसाब से बहुत अच्छा कैमरा है, इवन 4K रिकॉर्डिंग भी है। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, जो कि नॉर्मल वीडियो कॉल, जूम मीटिंग वगैरह अटेंड करने में आपकी हेल्प करेगा। और सेंटर स्टेज फीचर तो आजकल बहुत कॉमन है, यही कि आपका फेस पे जूम करके रखेगा और आपको स्क्रीन के सेंटर में रखेगा। बैटरी की बात करूं तो 8840 mAh का बैटरी है, मतलब ऑलमोस्ट 9000 mAh का बैटरी, और 33 वॉट का चार्जिंग है। चार्जिंग सुनने में थोड़ा कम लग रहा होगा, लेकिन बैटरी के साइज के हिसाब से 100 मिनट्स के अंदर अंदर ये टैब 0-100 कर लेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 है, LPDDR5 रैम टाइप है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, मतलब भाई परफॉर्मेंस में तो ये अपने प्राइस में क्लियर विनर है, कोई आस पास भी नहीं है इसके। और भी काफी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, जैसे इस बार जो Xiaomi का पेन आया है, मतलब सेकंड जनरेशन पेन, उसमें भी काफी सारे इंप्रूवमेंट्स हैं। लेटेंसी कम किया है Xiaomi ने, बैटरी लाइफ अब 150 आवर्स हो चुकी है। अगर आप 1 मिनट इससे चार्ज करते हो अपने टैब से चिपका के, तो ये 7 घंटे तक चलेगा, मतलब सीरियसली जादू ही कर दिया Xiaomi ने। इसका डिस्प्ले LCD है, फिर भी मैंने बढ़ाई किया, उसका रीजन है कि भाई इसमें 10-bit पैनल है, जिसके कारण कलर्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। LCD होने के बावजूद इसमें डॉल्बी विजन एटमॉस सब कुछ है, क्वाड स्पीकर्स हैं जिसका क्लैरिटी बहुत अच्छा है, लाउडनेस बहुत अच्छा है। मात्र 490 ग्राम्स वेट है, मेटल यूनिबॉडी टैब के हिसाब से भाई बहुत लाइट वेट हुआ, और 6.5 mm का थिकनेस है, मतलब ऑलमोस्ट आधा सेंटीमीटर। डिस्प्ले के कुछ और फीचर्स भी हैं, जैसे 144Hz का 7-stage एडेप्टिव सिंक रिफ्रेश रेट, मतलब ये 7 stages में अपने रिफ्रेश रेट को एडजस्ट करेगा ताकि बैटरी बचाए भी जा सके और 144Hz का स्मूथनेस यूजर को मिले जब वो यूज करे टैब। HDR10 सर्टिफाइड है डिस्प्ले, MEMC है, आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 14 के साथ आएगा, एंड्रॉइड 13, 3 साल तक सिक्योरिटी पैच का अपडेट आएगा। हाँ, वैसे कंपनी ने OS अपडेट के बारे में कुछ नहीं कहा है, मुझे लगता है कंपनी को 2 OS अपडेट तो देने ही चाहिए, लेकिन कंपनी ने 1 साल का भी नहीं बोला है, तो कुछ पता नहीं मिलेगा कि नहीं। वैसे आपको बता दूं, इसका जो टाइप सी पोर्ट वो USB 3.1 है, इसके हेल्प से आप इस टैब को टीवी से कनेक्ट कर सकते हो स्क्रीन कास्ट करने के लिए, वो भी 4K 60 FPS पे बहुत कम लेटेंसी के साथ। मुझे Xiaomi Pad 5 भी काफी पसंद आया था, क्योंकि जैसे फोन्स को आप लैंडस्केप मोड में करके ब्राउजर यूज ही नहीं कर सकते हो, एकदम अनयूजेबल बच जाता है, इतना पतला होते जा रहा है फोन और लंबा होते जा रहा है, वहीं टैब को चाहिए थोड़ा सा स्क्वायरिश लुक, इसलिए Xiaomi Pad का स्क्रीन रेशियो 16:10 होता है। ऑलमोस्ट सारे ही पैड का 16:9 ही होता है या फिर 16:10, एप्पल 4:3 देता है, जो थोड़ा और स्क्वायरिश हुआ, लेकिन उसमें एक दिक्कत है, उसमें मूवीज वगैरह देखने में बिल्कुल मजा नहीं आता है। तो ये एकदम परफेक्ट बैलेंस है 16:10 देना, और डेफिनेटली अफोर्डेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा चीज है। ओवरऑल पैकेज जो Xiaomi 24,000 में दे रहा है वो अनबीटेबल है। कमी की बात करो तो एक मेजर कमी मुझे यही लगी है कि भाई कंपनी ने मेजर अपडेट के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। दूसरी कमी मुझे ये लगी है कि पिछले साल भी इनका एक्सेसरी आया था, इसका पेन और इसका कीबोर्ड Xiaomi Pad 5 का, जो कि ज्यादातर टाइम आउट ऑफ स्टॉक रहता था, मिलता ही नहीं था, तो वो चीज अगर इसके साथ ना हो तो काफी अच्छा होगा। वैसे 25,000 में तो इन्फिनिक्स का लैपटॉप भी आने लगा आजकल, जो कि डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी में तो इससे काफी ऊपर होगा, क्योंकि विंडोज है, और अगर आप थोड़ा बजट बढ़ा के आईपैड ले लेते हो तो उसका भी प्रोडक्टिविटी इससे ऊपर होगा। लेकिन हाँ, iOS के साथ काफी सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, तो मैं इसे आईपैड से तो बिल्कुल नहीं कंपेयर करूंगा, लेकिन हाँ विंडोज से तो कंपैरिजन बनता है, क्योंकि जब इसी प्राइस में लैपटॉप भी मिल रहा है जिसका एस्पेक्ट्स भी ठीक ठाक है, i3 11th generation, 8GB RAM, 256GB SSD, क्योंकि भाई विंडोज अलग चीज होता है, एंड्रॉइड ही है, कहीं ना कहीं वो फोन जैसा ही फील होगा। वैसे एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे Xiaomi की है कि इसमें एक भी ब्लोटवेयर नहीं है, कहीं ऐड नहीं है। बाकी डेफिनेटली अगर आप टैब खोज रहे थे तो अपने प्राइस में बेस्ट टैब है, अपने प्राइस से थोड़ा ऊपर तक भी बेस्ट टैब है, आंख बंद करके ले लो। बाकी बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।